बुरहानपुर जिले की शनवारा शराब दुकान पर मनमानी कर ज्यादा रेट पर शराब बेच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आबकारी विभाग आंखें मूंद कर बैठा है। शराब दुकानों पर एमआरपी से ज्यादा मूल्य पर शराब और बियर बेची जा रही है। यह मामला किसी एक शराब दुकान का नहीं है बल्कि पूरे जिले में यही हाल है। इस मामले की शिकायत गौरव शुक्ला नामक युवक द्वारा करने के बावजूद भी आबकारी विभाग कार्रवाई तो दूर, शिकायतकर्ता की शिकायत भी सुनने को तैयार नहीं है। जिले में 1 अप्रैल से नए ठेके शुरू हुए हैं। नियम से सभी शराब दुकानों पर नए वित्तीय वर्ष में बनी शराब बेची जाना है और शासन के नियम अनुसार ही निर्धारित दर पर शराब बेचना है, लेकिन यहां पुराने स्टॉक को खपाया जा रहा है, वह भी नए वित्तीय वर्ष में जारी हुई रेट लिस्ट के अनुसार पैसे वसूले जा रहे हैं। नए वित्तीय वर्ष में शराब के दाम में 5 से 10% की वृद्धि हुई है। ऐसे एक मामले की पार्षद गौरव शुक्ला ने 2 दुकानों पर एमआरपी से ज्यादा दाम पर शराब बेचे जाने की लिखित शिकायत विभाग को की है। वहीं जब इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी वीरेंद्र सिंह धाकड़ से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि अधिक दामों पर शराब नहीं बेची जा सकती, किंतु पुराना स्टॉक बचा हुआ है, इसे खत्म करने के लिए बेचा जा रहा है। वहीं अहातों की बात को नकारते रहे, किंतु जब वीडियो दिखाए गए तो कार्रवाई की बात करने लगे। अब देखना यह होगा कि कार्रवाई आखिरकार कब होती है, या फिर ठेकेदारों के आगे विभाग बेबस बना रहता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। शराब दुकान पे गए थे, आबकारी अधिनियम 1915 ये कहता है कि एमआरपी और एमएसपी के ऊपर कोई शराब बिक्री हो नहीं सकती है। हम लोगों ने उस दिन देखा कि शराब तो एमआरपी और एमएसपी से कम में बिक रही है, विस्की और बियर एमआरपी के ऊपर बिक रही है, यहाँ तक कि वो तो उपभोक्ताओं का पूरा हनन ही हो रहा है कि एमआरपी के ऊपर ये लोग शराब और ये अपने बियर कैसे बेच रहे हैं। उस मामले के अंदर हमने शिकायत भी दर्ज करी, धाकड़ जी है जो डीओ साहब उनको बोला तो उनका भी कहना यही आया कि बोले एमआरपी के ऊपर हम लोग नए एक के अंदर शराब बेच सकते हैं, लेकिन एमआरपी 120 है तो दारू और अपने ये तो बिकना ही नहीं चाहिए। बाकी बहुत बड़ा सेंडिकेट चल रहा है, कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिली भगत से ठेकेदार उपभोक्ताओं का शोषण कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं बेच सकते। एमएसपी और एमआरपी निर्धारित है, उसी में या तो एमएसपी पे या उसके मध्य में या एमआरपी पे बेच सकते हैं। एक दो लोगों ने और अभी एक शिकायत की है, मैं आपको भी मीडिया के माध्यम से स्पष्ट कर दूं। क्या होता है कि कुछ पुराना स्टॉक था तो उस पर रेट का वो आ रहा है कि 2-5-10 रुपये का अंतर देखने को मिल रहा है, उसको उनको ये लग रहा है कि ये ज़्यादा में बेच रहे हैं। एक्चुअली हम लोग जब 31 मार्च का जो स्टॉक बचता है और कुछ हमारे जो वेयर हाउस पे जो स्टॉक रहता है उसको भी अलाउ करते हैं बेचने के लिए, और जो ड्यूटी बढ़ती है उस ड्यूटी का हम डिफरेंस वसूल लेते हैं उन लोगों से। तो वो वसूलने के बाद वो 10 रुपये महंगी है, तो मतलब आपको महंगी लग रही है, उसकी निर्धारित रेट जो है 10 रुपये बढ़ गई। लेकिन सर, यदि स्टॉक भी है तो ये कहा जाता है कि जो एमआरपी है एमआरपी से ज़्यादा नहीं बेच सकते। आपसे मैं